जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि नमाज टाइम अभी सऊदी अरेबिया में आप अपनी मर्ज़ी से अपनी शॉप वगैरह बंद कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं अभी जल्दी जल्दी जा रहा था, साथ में अलबेक है इधर, तो मैं अलबेक की तरफ जा रहा था कि यार साला अलबेक बंद ना हो जाए, लेकिन मैं पहुँचा हूँ, टाइम भी हो गया था, अलबेक बंद नहीं था। फिर मेरे जहन में हाँ अभी तो साला टाइम बंद करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है, तो ऐसे भूल तो आदमी जाता है अभी। लेकिन बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको अलबेक खुला हुआ है सला टाइम है पर पांडा है जी, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, वो सामने है जी, ये भी खुला हुआ है, दिर्रा साथ में खुली हुई है, सिटी मैक्स बंद है जी, आगे 24 ये भाई 24 भी बंद है, आगे इस तरफ है जी सामने 22 ये ओपन है, ये खुला हुआ है, ये भी कपड़ों वाली दूर, साथ में रेड टैग है, रेड टैग भाई बंद है, आप देख सकते हैं। आगे सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के थोड़ा मैं नज़दीक जाके आपको बताता हूँ कि सेंटर पॉइंट खुला है कि वो भी बंद है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये रेड टैग देख लें सामने, ये बंद किया उन लोगों ने, जोर का टाइम है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने तो भाई ऐलान कर दिया कि आप सारा टाइम अपनी दुकानें वगैरह खुली रख सकते हैं भी, जैसा कि पहले पाबंदी थी वो पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। तो ये अभी आपके ऊपर भाई है कि आप सारा टाइम अपनी दुकान ओपन रखना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। ये रखा जी सेंटर पॉइंट, तो अभी जोर का टाइम में देख लें, अभी ये ओपन है, यानी कि सारा टाइम भी सेंटर पॉइंट ओपन है। तो ये अभी भाई इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये गलत हो रहा है, नहीं, ये सऊदी गवर्नमेंट ने जब ऐलान कर दिया तो फिर गलत सही की बात ही ख़त्म हो गई है। तो ये तो आपके ऊपर भाई मुनहसर है, बाकी हर बंदे की अपनी सोच है जी, ये सही फैसला है या गलत फैसला, हर बंदा अपनी राय रखता है। लेकिन अभी जो भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव के मनाजर, ये आज हज वाले दिन के हैं, यानी कि आज मैदान अरफात में हज पढ़ा जा रहा है, तो इस टाइम के हैं, यानी कि जोहर की नमाज है इस शहर में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ से आपको लाइव दिखा रहा हूँ।